ना इधर ना उधर, तो फिर राजा भैया किधर। उत्तर प्रदेश के सियासत से जुड़े इस सबसे बड़े सवाल से पर्दा उठ चुका है, क्योंकि कुंडन नरेश और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने अपने फैसले से सबको चौंका दिया। बीच चुनाव उत्तर प्रदेश की सियासत का रुख ही बदल दिया। सूत्रों से खबर है कि राजा भैया ने यूपी से बीजेपी का सूपड़ा करने के लिए अखिलेश यादव से हाथ मिला लिया। सूत्रों से दावा किया जा रहा है कि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दे दिया है। राजा भैया की पार्टी कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद में सपा के लिए प्रचार करेगी। इसके अलावा राजा भैया ने अपने खास समर्थकों को संदेश भेजा है कि सपा का साथ देना है। मंगलवार को ही सियासी गलियारों में खबर उड़ रही थी कि राजा भैया ने बीजेपी को एक तरफा समर्थन देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी के नेता और समर्थक किसी भी दल और प्रत्याशी को समर्थन देने के लिए आजाद है। आने वाले चुनाव में अपने मनमर्जी से अपनी कसौटी पर प्रत्याशी को कसकर जहां चाहे वहां मतदान करें। अरे हमें सुनो, फिर हम कहते हैं बस है, कुछ लोग किसी को मतदान करना चाहेंगे, कोई किसी को करना चाहेगा। हमारे लिए यही खुशी की बात है, ये जो आप गले में और माथे पर जो आज जनसत्ता का झंडा, ये झंडा हमेशा चमकता रहेगा। और हमें दोनों चिंता बात है, जैसा चाहे जीता हुआ है, कल के दिन अगर वो आपके काम ना आई तो हम तो है नहीं, हम कहां जाएंगे। आपके सुखों के लिए सदैव तत्पर। लेकिन हाँ, पिछले चार छह, जबकि कुछ दिन पहले राजा भैया ने बेंगलुरु में अमित शाह से मुलाकात की थी, उसके बाद ये क्यास लगाने लगे कि वे बीजेपी का साथ दे सकते हैं। अटकलें लगाने लगे कि अमित शाह की प्रतापगढ़ी की हीरागंज रैली में राजा भैया मंच शेयर करेंगे, लेकिन राजा भैया ना तो रैली में गए ना ही बीजेपी के समर्थन का ऐलान किया। और अब माना जा रहा है कि बीजेपी से राजा भैया की बात ही नहीं बन सकी। राजा भैया के इस फैसले के बाद यूपी में लोकसभा का सभी 80 सीटों पर जीत के बीजेपी के मिशन को तगड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि जहां एक बाहुबली से बीजेपी को नाउम्मीदी मिली, उत्तर प्रदेश के ही दूसरे बाहुबली ने उन्हें निराश नहीं किया। जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद बीजेपी खेम ने राहत की सांस ली है। आज हम चुनाव में हम औरों की तरह नहीं, हम तटस्थ हैं। हम यहाँ पर आप लोगों को यही आग्रह करेंगे कि प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है, आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें और ऐसा ही हम लोगों की लड़ाई सरकारों। दरअसल बीजेपी कौशाम्बी लोकसभा सीट पर राजा भैया से समर्थन की उम्मीद कर रही थी, लेकिन अचानक राजा भैया का मन डोलते डोलते बदल गया। फिलहाल दो बाहुबलियों के फैसले से उत्तर प्रदेश की सियासत में खलबली मच गई है। ऐसे में अब देखना यह है कि राजा भैया क्या सच में अखिलेश के साथ चले गए हैं और वे कब सपा के साथ मंच साझा करेंगे। सूत्रों की इस खबर पर आधिकारिक मुहर लगाते हैं।